देखो तेरे गुस्से में हो बिकॉज आई थिंक व्हाट अभिषेक मेरा बहुत खास दोस्त है एक्चुअली समर्थ भी मेरा दोस्त है बिकॉज आई थिंक यही होना चाहिए बिकॉज आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो ईशा पर्सनली ना मैं जानता हूं उसको ना मैं किसी को बुरा बोलना चाहिए मुझे बुरा नहीं बोलना उसकी बारी कि एक लड़की है ना एक लड़की है पर ये बात जरूर बोलना चाहता हूँ ये लड़का इफ दिस वाज अ गाय ये लड़का ने किया होता ना ये घर में तो बड़ा भवाल उठता घर में बहुत बड़ा भवाल उठता घर में कि लड़का ने तो लड़की को घुमाया ये देखो देखो ये आपको ही पता है मुझे पता है हेलो नमस्ते गाइस, बिग बॉस 17 का सीजन बहुत ही फायर तरीके से और बहुत ही थर्ड गियर में चला गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी शुरू हो चुकी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि दिल दिमाग दम यहाँ पर कपल वर्सेस सिंगल का बैटल है और सबसे पहले शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, जैसा कि बिग बॉस ने सबको अनाउंस किया था कि इस बार जो भी दिल रूम में होगा उसके घर के और बाहर के रिश्ते सब कुछ अपफ्रंट होगा, सारे रिश्तों का टेस्ट लिया जाएगा। ऐसा ही कुछ नजारा कल हमें देखने को मिला है जहां पर बिग बॉस के घर के अंदर दूसरे ही हफ्ते में वाइफ का एंट्री हो गई है। उसको लेकर आज हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे। हमारे सबसे चहेते राजीव अदातिया जी हमारे साथ आज थैंक मौजूद हैं। राजीव जी नमस्ते, टेली रिपोर्टर पर बहुत यू बहुत थैंक स्वागत है आपका। यू जैसे थैंक कि यू थैंक बिग यू बॉस से आपका बहुत ही नाता जुड़ा रहा है, तो कल के एपिसोड में जिस तरह से पहली बार ऐसा हुआ कि सेकेंड वीक में ही वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई और ऐसी एंट्री हुई कि मतलब घर की पूरी नींव हिल गई है। ईशा माल्या देखो की तरह ट्रेंड आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मैं थोड़ा गुस्से में हूँ बिकॉज आई थिंक व्हाट अभिषेक मेरा बहुत खास दोस्त है एक्चुअली समर्थ भी मेरा दोस्त है पर मेरा खास है अभिषेक ओके एंड मुझे आई सो खेद रिकॉर्ड के जो मतलब पहली बार मुझे बोलना चाहता हूँ कि जो अभिषेक जो घर में खड़े जो लड़ रहे हैं सो पागल हो गया घर में। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ एक्चुअली वो बार ऐसा नहीं है बार बहुत स्वीट है बहुत फन लविंग है हमको बहुत साथ है मतलब उससे टाइम स्पेंड करें इतना मस्त है मतलब इतना मस्ती खो रहे हैं। आई थिंक जब आप घर में हो एंड आई एम टॉकिंग पर्सपेक्टिव जो आप शायद इसमें एग्री कर सकते हो कि जब आप किसी के साथ प्यार में हो और 24 घंटे वो पर्सन आपके सामने है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं समटाइम्स जब साथ में नहीं होना और व्हेन यू सी थिंग्स हैपनिंग ना तो फ्रस्ट्रेशन आ जाते हैं इंटेंशनली। आई थिंक दैट्स व्हाई ही इज आर्ग्यूइंग सो मच दैट्स व्हाई वो लड़ रहे हैं कि उसको पता नहीं उसको समझ नहीं आता मैं कैसे एक्सप्रेस करूं मेरा फीलिंग्स नेचुरली। तो आई थिंक इस वजह से वो इतना गुस्सा हो रहे हैं। जो कल हुआ है मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज आई टेल यू वन थिंग जब सलमान खान ने इंट्रोड्यूस किया था दोनों को स्टेज के ऊपर मैडम ईशा ने बोला था कि ये मुझे फिजिकली इंडिया फिजिकली के कुछ किया था हो जाता है मेरे साथ, बदतमीजी करता है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली। आप मुझे बताओ आप एक लड़की हो आप कोई लड़का आपके साथ ऐसे करते हैं आप कभी उसको मुंह देखते हैं लाइफ में आप नहीं देखते ना। What I'm, here's my example to all of you. इतना बड़ा एलिगेशन आपने स्टेज पे बोल दिया कैसे है तो आप घर में जाके बोलते हैं अटैचमेंट है अटैचमेंट किस बात पे मेरे कोई मुझे टच करे ऐसे चपाट मुड़ के मतलब वापस मुड़ के ना देखो मैं आप जाके उसको मिक्स फीलिंग मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। एक बार जब ये बोल रहे हो कि ये मतलब ये हो रहा है फिर आपको उसके साथ मतलब लवी डवी हो रहा है तो ये बंदे ना पागल हो चुके हैं बिकॉज कंफ्यूज हो गया है बेचारा ये कंफ्यूज हो गया है। और कल बात रही कल की अभिषेक ने उसको पूछा था एपिसोड में जो एपिसोड में आया भी था कि ये लड़की का ये ईश्वर कोई बार है ठीक है उसको यही पता है शो से पहले ये बोलते कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है अब बिग बॉस में समझ को लेके आए घर में फिर भी कहते कोई नहीं है ये कौन है दोस्त है आई मीन आप क्या कर रहे हो। एक ऑडियंस और एक फैंस के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि घर के बाहर लोग हैं, फैंस से देख रहे हो, उन्हें ज्यादा चीजें पता नहीं, लेकिन आप अभिषेक और समर्थ जुड़े दोनों को पर्सनली जानते हो। जिस तरह से मेकर्स ने ईशा और समर्थ के कुछ प्राइवेट मोमेंट, रोमांटिक पिक्चर्स का भी खुलासा किया, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि ईशा और समर्थ के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ तो है। वो बात अलग है कि ईशा ने मना कर दिया सीधे समर्थ के फेस पे। क्या समर्थ ने बिग बॉस में घर के जाने से पहले आपसे कुछ कांटेक्ट किया था, कुछ बातचीत नो हुई थी? ईशा ऐसा क्यों कर no, रही है, वो डिनाई कर रही है अपनी रिलेशनशिप को? मेरा अभिषेक के साथ बहुत बात हुई थी। इनफैक्ट जब उसका इंटरव्यू हुआ था बिग बॉस से अंदर जाने से मतलब हम हर रोज इनफैक्ट हर रोज आधा आधा यही बात करते थे हम उसको समझा रहे थे भाई सबको सहना सबको एंटरटेन करना है तो उसको पता था कि मतलब सीधा बात तो चल रही बार की से जा रही थी पर स्किप टू अंडरस्टैंड वो प्यार में था और प्यार में है अभी तो ये ना मेंटली इफेक्ट हो जाता है एंड ही वाज वेरी स्केयर्ड कि उसको मेंटली कैसे वो संभालेगा घर पे उसको ये भी पता था कि मतलब अरे मैं कैसे संभालूंगा ये सब कुछ।
समर के साथ नहीं बात हुई, सच बताओ तो नहीं बात हुई है, बट आई एक्सपेक्ट, देखो बाहर से बेचारे ये देख रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड इसे कर रही है घर में, तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आएगा ना आदमी को ना, आएगा ऑब्वियसली, तो ये नेचुरली ऑब्वियसली उसको घर में जाने, ही वांट, आई एम श्योर ही वांटेड टू गो इन द हाउस टू कंफर्ट करने के लिए कि क्या हो रहा है, एनी पर्सन, दिस इज वेरी नेचुरल जो हो रहे हैं ना दोनों लड़के के बीच में, बहुत नेचुरल हो रहे हैं, बस मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि ये दोनों लड़के के, ये दोनों अभी प्रोमो में आए कि ये दोनों लड़के लड़ रहे हैं इसके वजह से, ऐसे मन करके घर में जाकर अभिषेक थप्पड़ मारूं कि साले तू तू क्या कर रहे हैं, मतलब तू सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है, मतलब ठीक है यार आपके सामने हो रहे तो छोड़ दो उसको, अपना गेम खेल, अपना बिकॉज उसको ऊपर टेंशन बहुत है, बहुत है, बिकॉज के अंदर इसलिए नहीं गया कि ईश्वर मालवीय वहां है, वो गया कि अभिषेक कुमार ने बोला है, सो आई एम सेइंग यू नो आई जस्ट फील जो कल हुआ है ईशा को सच सच बोलना चाहे था, उसने नहीं बोला, ये बहुत गलत है, वो कहवत क्या होती है ना कि जब सच नहीं बोलते हो तो हमेशा कोटा हो जाते, यू विल ऑलवेज बी कोटा आउट सेइंग अ लाई। ऐसे सिचुएशन में आप एज अ फ्रेंड समर्थ और अभिषेक को क्या ओपिनियन देंगे, क्या एडवाइस देंगे, जैसे प्रोमो में देखा गया कि अभिषेक के बिहेवियर को लेकर काफी तरीके से बात होती कि बंदा बहुत टॉक्सिक है, बहुत ही फेक कंटेस्टेंट है, पिछले सीजन देख कर आया है, रेप्लीकेट कर रहा है कभी शालीन को, कभी गौतम गुहाटी को, कभी सिद्धार्थ शुक्ला, लेकिन कल जब प्रोमो में अभिषेक को बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए देखा तो फैंस के काफी सारे ओपिनियंस बदल गए कि भले बंदा वो चाहे कैसा भी हो उसके अंदर एक चीज है कि वो अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाया है, वो ईशा को लेकर उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, दूसरी तरफ समर्थ भी है जो उसके साथ रिलेशनशिप में, बट ईशा ना ही अभिषेक के साथ कमिट कर रही है और ना ही समर्थ के अपने करंट रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रही, तो ऐसे में समर्थ को क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि कभी I don't think it'll be healthy for अभिषेक and ईशा to get back together, honestly healthy नहीं है। दूसरी बात जब मैंने आई फील बैड फॉर समर्थ बिकॉज जो अंदर आया था बेचारा ईशा अभिषेक के साथ बैठी थी, तो मतलब ये दोनों लड़के जो लड़ रहे हैं उसके लिए मुझे ये गुस्सा आ रहा है कि दोनों लड़के को मतलब साथ होना चाहिए कि भाई भाई हम साथ में, उसको छोड़ दो, उसके साथ ही यही होना चाहिए, बिकॉज आई एम टेलिंग यू आई डोंट नो ईशा पर्सनली, ना मैं जानता हूँ उसको, ना मैं किसी को बुरा बोलना चाहिए, मुझे बुरा नहीं बोलना उसकी बारी कि एक लड़की है, एक लड़की है, पर ये बात जरूर बोलना चाहता हूँ, ये लड़का इफ दिस वाज अ गाय, ये लड़का ने किया होता ना ये घर में तो बड़ा भवाल उठता घर में, बहुत बड़ा बवाल उठता घर में कि लड़का नहीं तो लड़की को घुमाए, ये देखो देखो ये आपको ही पता है मुझे ही पता है ये होता होता जरूर होता, पर ईशा है तो चलो हम डायरेक्टली डायरेक्टली हम कर रहे हैं ये चीज, आई एम नॉट सेइंग, देखो इट्स अप टू हर हु शी वांट्स टू से के वो साथ में नहीं है, पर जो दो बंदे आपके सामने खड़े हैं ये दोनों बंदे पागल है क्या, मतलब स्टेज में जो वो सब बोल रहे हो पागल है, मतलब तू ही सच्चाई की मूर्ति, दोनों ये दोनों पागल है, और भी कुछ तो वही वो सच्चाई बोल रहे ना, कुछ सच तो बोल रहे वो दोनों, एंड आई फील जो बिग बॉस को छोड़ दो, आपका इमेज के लिए आपके कैरेक्टर के लिए आप चाहते को लोग आपको पसंद करे तो कुछ सच बोलना चाहिए, लोग आपको ये चीज को लोग बुरा नहीं मानते, वो ये लोग आपको सलूट करते हैं कि आपने सच्चाई बोला है, आपने जो झूठ बोला है झूठ पे झूठ तो ये ना जो ब्रेव है ना नीचे नीचे जैसे जा रहे, तो मतलब अभी बेचारे फंस गई अब क्या करे वो, आई जस्ट होप हर से आगे जाके वो सच्चाई बोले और अभिषेक मतलब इस चक्कर से निकले,